देखो रोटेशनल मोशन में हमारे पास फिजिक्स में दो किस्म की मोशंस हैं एक लीनियर मोशन है और एक रोटेशनल मोशन है लीनियर मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन है जिसमें डिस्प्लेसमेंट एक्स है रोटेशनल मोशन में डिस्प्लेसमेंट को थीटा लिया जाता है जिसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं जो काम इसमें वी करेगा डी एक्स बाई डी टी वो काम इसमें ओमेगा करेगा डी थीटा बाई डी टी जो काम इसमें ए करेगा डी वी बाई डी टी वो काम उसमें एल्फा करेगा डी ओमेगा बाई डी टी टाइप ऑफ मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट है या नहीं दो टाइप की मोशन है अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एस फिकल टू बी टी और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो उसमें एक्सलेशन होगी उसी तरीके से इसके अंदर या तो अल्फा होगा या अल्फा नहीं होगा इसके अंदर पहला जो कॉन्सेप्ट है वो मोमेंट ऑफ फोर्स या टॉर्क के ऊपर है टॉर्क का सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए आर क्रॉस एफ या फिर आर एफ साइन थीटा टॉर्क मैक्स कब होगा जब एंगल थीटा क्या होगा नाइनटी यानी कि एंगल बिटवीन आर एंड एफ इज 90 और जीरो कब होगा जब थीटा क्या होगा जीरो टॉर्क निकालने का एक तरीका एक ही तरीका फॉलो करेंगे नंबर ऑफ मेथड फॉलो नहीं करेंगे वो क्या फोर्स इन टू पर डिस्टेंस जैसे अगर आपको टॉर्क निकालना है अबाउट पॉइंट ओ तो आप ये देखेंगे कि फोर्स कहां पे अप्लाई हो रही है ये फोर्स की वैल्यू है और फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस एक्सिस से कितना है एच एफ इन टू एच इसमें क्या गया? आ गया टॉर्क आ गया एफ इंटू एच इसमें टॉर्क है नेक्स्ट है जैसे ही एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग को यहां से काट दिया तो क्या टॉर्क जनरेट होगा जब स्ट्रिंग को कट करेंगे तो एक्सेस कहां से पास करेगा ओ से तो ये एक्सेस है तो ये वेट एम है एम का परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक्सेस है कितना है एल बाई टू तो टॉर्क क्या होगा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एम जी इंटू एल बाई टू यह नेक्स्ट है कपल कपल का मतलब दो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं जो टॉर्क जनरेट करती हैं तो एफ फोर्स कितना टॉर्क जनरेट करेगी एफ फोर्स इंटू पर कैसे एंटी क्लॉकवाइज और ये एफ कितना टॉर्क जनरेट करेगा एफ इन टू और कैसे घुमाएगा एंटी क्लॉकवाइज तो नेट टॉर्क क्या होगा एफ इंटू ओ बी प्लस एफ इंटू एओ आंसर तो इतना याद करने की जरूरत और कुछ करने की जरूरत नहीं इसमें नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट या फिर रोटेशनल इक्विलिब्रियम तो मान लो एक ये प्लैंक है या रॉड है दो इसमें मासेज हैं एम वन जी एम टू जी यह इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये इक्विलिब्रियम में है तो ना ये इधर रोटेट कर रहा है ना ये इधर रोटेट कर रहा है ऐसा कब होगा जब क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉक तो इसमें ये टॉर्क क्या जनरेट करेगी फोर्स एम वन जी इंटू डी वन और ये टॉर्क क्या करेगा एम टू जी इंटू डी टू ये फोर्स इसे ऐसे घुमाएगी और ये फोर्स इसे ऐसे घुमाएगी तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क अगर इक्वेट कर दिया जाए तो नेट टॉर्क क्या आ जाएगा इसके ऊपर जीरो ये जीरोप्ट है नेक्स्ट है इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के ऊपर जैसे ये एक अगेन रॉड है इसको दो नाइफ nice के ऊपर टिका के रखा हुआ है इसका खुद का वेट है रॉड का 4g एक्स्ट्रा वेट है 6g जी डिस्टेंसेज आपको गिवन है ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में गिवन है इक्विलिब्रियम दो किस्म के होते हैं ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम रोटेशनल इक्विलिब्रियम ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम में अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स लेफ्ट की फोर्स इज इक्वल टू राइट की लेफ्ट राइट तो फोर्स है ही नहीं तो अपवर्ड फोर्सेज क्या है एन वन प्लस एन टू और डाउनवर्ड फोर्स क्या है फोर जी प्लस सिक्स जी तो ये ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम है तो ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम की पहली क्वेश्चन क्लियर है आपको इसमें एन वन एन टू निकालना है दूसरी क्वेश्चन रोटेशनल की है तो ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है तो एन वन कितना टॉर्क जनरेट करेगा एन वन इन पच्चीस सेंटीमीटर है ना फोर्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस 6G कितना टॉर्क जनरेट करेगा सिक्स जी फोर इन टू पांच सेंटीमीटर फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फोर जी कितना टॉर्क जनरेट करेगा जीरो क्योंकि तो खुद सेंटर ऑफ मास एक्सिस पे काम कर रहा है और एन टू कितना टॉर्क जनरेट करेगा एन टू इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से कितना है पैंतीस सेंटीमीटर तो इसके अंदर एन वन ने भी टॉर्क जनरेट करना है इसने भी करना है और इसने भी करना है एन टू टॉर्क कैसे जनरेट करेगा एंटी क्लॉकवाइज़ 6G कैसे करेगा सिक्स जी पे अगर फोर्स लगाएंगे तो बॉडी ऐसे घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज लेकिन आपके इक्वेशन आ जाएगी वन एंड टू इन दोनों को सॉल्व करके साइमल्टेनियन वन एंड टू की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड तो कैसे निकलेगा एन वन एन टू क्लियर तो एक इक्वेशन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम की और एक रोटेशनल इक्विलिब्रियम की दोनों को सॉल्व करके आपके पास आंसर आएगा नेक्स्ट है रोटेशनल काइनेमेटिक्स इसके अंदर एक पॉइंट मास है जो रोटेट कर रहा है विद अ वेलोसिटी 2 रेडियंस पर सेकंड एंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी इंक्रीजेस टू 4 रेडियंस पर सेकंड ये ओमेगा नॉट है या ओमेगा इन 2 सेकंड फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन तो आपको अल्फा निकालना है ओमेगा नॉट पता है ओमेगा पता है टी पता है और अल्फा निकालना है तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी एल्फा की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड इसकी क्वेश्चन में अगर आपको थीटा निकालना है तो अप्लाई करो थीटा इज ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा टी स्क् आपको इनिशियल ओमेगा नॉट पता है टाइम पता है एल्फा पता है और टाइम पता है सॉल्व करके थीटा कैन बी कैलकुलेटेड नेक्स्ट है बॉडी रोटेटिंग विद टेन रेडियंस पर सेकेंड इज ब्रॉड टू रेस्ट तो ये ओमेगा नॉट पता है और ये फाइनल ओमेगा क्या है इसमें जीरो तो इनिशियल ओमेगा पता है फाइनल ओमेगा पता है इन टाइम पांच सेकेंड क्या निकालना है एंगुलर रिटार्डेशन एल्फा तो ओमेगा नॉट पता है ओमेगा पता है टाइम पता है अप्लाई करो ओमेगा ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी कैन बी कैलकुलेटेड नेक्स्ट इसी में क्या निकालना है थीटा बताओ अगले पांच सेकंड में क्या कवर होगा तो अप्लाई करो थीटाजिकल टू ओमेगा नॉट टी प्लस टी से ओमेगा नॉट पता है टाइम पता है एल्फा पता है माइनस टू और टाइम पता है सॉल्व करके थीटा कैन भी कैलकुलेटेड बॉडी कवर थीटा वन रेडियंस इन टू सेकेंड तो रेस्ट से बॉडी स्टार्ट हुई या रेस्ट हाँ रेस्ट से स्टार्ट हुई और थीटा वन एंगल कवर किया दो सेकेंड में अगले दो सेकेंड में एंगल कितना कवर किया थीटा टू तो आपको रेशियो निकालनी है इसमें क्या है तो अप्लाई करो पहले केस में थीटा वन ज़ीरो प्लस हाफ एल्फा टू स्क्वायर दो सेकेंड में एंगल थीटा वन है दूसरे केस में स्टार्टिंग से अब टोटल एंगल चार सेकेंड में कितना कवर हो गया थीटा वन प्लस थीटा टू

किस पे डिपेंड करता है मास ऑफ दी बॉडी पे पर पेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दी पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस से पॉइंट मास का आई का फॉर्मूला एम आर रिंग का डिस्क का सेयर का डेरिवेशन एन सी आर टी से हट गई हैं मैं बस एक रिंग का दो मिनट बता देता हूँ बाकी डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है सर को बताने के लिए था जबकि शायद बताने की बता के उल्टा नुकसान ही होता है और मुश्किल लगता है

नेक्स्ट है सॉलिड का अगर अगर एक्सिस बीच में से पास करता है तो आर स्क्वायर और इसके अंदर दो हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस में इसका प्रूफ फिर भी कर, करना चाहिए क्योंकि मेरे को लगता है इसका प्रूफ है एनसीईआरटी में तो क्या है थ्योरम इसको देखते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सेस के अंदर सबसे पहले ये थ्योरम लगती है लैमिना के ऊपर लैमिना होती है टू डी बॉडी को लेमिना बोलती है शीट इज अ लैमिना ठीक है रिंग इज अ लैमिना बट सॉलिड स्केल इज नॉट अ लैमिना इट अट थ्री डी बॉडी तो आप एक लैमिना लें और ये इसके तीन एक्सेस हैं एक्स वाई एंड जेड तो इसके अंदर ये पी पार्टिकल है पी पार्टिकल का कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वन वाई वन एंड जेड वन तो P पार्टिकल का x1 का मतलब ये डिस्टेंस x एक्सिस पे x1 है और ये y1 है और ये z1 है तो इसके अंदर P पार्टिकल का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया x के अलोंग निकाला जाए तो मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस y1 स्क्वायर क्योंकि हम इस पार्टिकल की दूरी x से देखेंगे जो कि क्या है y1 तो m इनटू y1 स्क्वायर ऐसी अगर y एक्सिस के अलोंग देखा जाए तो m x1 स्क्वायर तो ये देखो लिखा हुआ है इसमें तो एक्स एक्सिस के अलोंग एम वन वाई वन स्क्वायर एम टू वाई टू स्क्वायर या एम आई वाई आई स्क्वायर और ऐसी y एक्सिस में एम वन एक्स वन स्क्वायर एम टू एक्स टू स्क्वायर एम आई एक्स आई स्क्वायर तो अगर आप इन दोनों को ऐड कर दें इसमें थोड़ी सी ये ओवरलैपिंग हुई हुई है अगर आप इन्हें ऐड कर दें मैंने लिखवाया भी था शायद आपको जब मैंने टॉपिक करवाया था आपने लिखा होगा तो आपके पास ये टर्म है नहीं लिखा तो साथ में लिख लो ये आपके पास ये टर्म आएगी एक्स आई स्क्वायर एंड वाई i स्क्वायर ये टर्म आएगी, की वेयर आई स्टार्ट फ्रॉम 1 टू एन तो यहां से मुझे पता है एम आई वो जो मैंने ऊपर फिगर दिखाई थी उसमें x1, y1 और z1 एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो z1 स्क्वायर x1 स्क्वायर और y1 स्क्वायर के सम के इक्वल है z2 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, y2 स्क्वायर के इक्वल है, तो इसकी जगह लिख सकते हैं z i स्क्वायर i स्टार्ट फ्रॉम 1 टू n और ये इसको ओपन करेंगे तो क्या आएगा एम वन जेड वन स्क्वेयर एम टू जेड टू स्क्ड एन स्क्र तो आए जेड एक्सेस तो आपके पास ये आपके पास थ्योरम की का प्रूफ आ जाएगा ये आपने प्रूफ करके आना है तो जिन्होंने उस टाइम नहीं लिखा तो ये नोट कर लें इक्वेशन नंबर टू के बाद आपने ये नोट करना है जो क्वेश्चन नंबर टू है बुकलेट में वो ये नोट ऐसे करना है आपने इसमें ठीक है वैसे आपने शायद उसमें तो तो लिखा होगा नहीं लिखा तो कम से कम यहाँ से नोट कर लें बुकलेट के ऊपर ये ओवरलैपिंग है ना ये समझ में नहीं आएगा आपको थोड़ा कट गया है तो ये नहीं लिखा तो ये नोट कर ले बस ठीक है नेक्स्ट है थ्योरम ऑफ पैरल एक्सेस थ्योरम ऑफ पैरल एक्सेस का प्रूफ यहाँ पे थोड़ा और तरीके से है मैंने बड़ा और तरीके से करवाया था कैसे मैंने ये भी लिखवाया था शायद आपको ये कहा था लिखने को तो थ्योरम ऑफ पैरल एक्सेस के अंदर अकॉर्डिंग टू थ्योरम थ्योरम तो देखो ये कहती है कि अगर आपके पास कोई भी एक बॉडी है सच दैट इसके अंदर ये जो एक्सेज है ये इसके सेंटर ऑफ मास में से पास कर रहा है और मोमेंट ऑफ नशा इसका आय है अगर इसके पैरल एक और एक्सेज है एट अ डिस्टेंस ऑफ एच और बॉडी का मास एम है तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ नशा क्या होगा आय तो होगा होगा प्लस एम इंटू एच का स्क्वायर भी होगा इसमें एम इन एच का स्क्वायर ऐड कर लेना है इसमें ठीक है यहाँ तक तो ये इसका प्रूफ कैसे करना है प्रूफ के अंदर आपने ये एक बॉडी ली इस बॉडी के अंदर आपने एक एक्सेस लिया जो एक्जैक्टली exactly इसके सेंटर ऑफ मास में से पास कर रहे है। तो इमेजिन करो कि एक पार्टिकल है ये रहा एम टू दो पार्टिकल्स हैं एम वन एम टू सच दैट एम वन की दूरी और एम टू की दूरी यहाँ से मान लेते हैं आर वन एंड आर टू है तो ये जो डिस्टेंस है ये आर वन है ये जो डिस्टेंस है ये आर टू है तो आई की वैल्यू मान लो ये एक्सेस ए बी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस ए बी जो सेंटर ऑफ मास में से पास कर रहा है, विल बी इक्वल टू एम वन इन आर वन स्क्वायर, एम टू आर टू स्क्वायर एंड सो ऑन। तो आई ऑफ ए बी को ऐसे लिखा जा सकता है सिग्मा एम आई आर आई का स्क्वायर आई वेरीज फ्रॉम वन टू एन इसे ऐसे रखेंगे इसको और छेड़ने की जरूरत नहीं है नेक्स्ट है अब आपने इसमें क्या करना है एक एक्सिस लेना है सपोज ये एक एक्सिस है जो इसके पैरेलल है जिसका नाम है सी डी सी डी और इस एक्सिस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस एच है तो अगर मैं ये पूछूं कि सी डी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है तो आप बोलेंगे एम वन इन टू अब एम वन की यहाँ से यहाँ की दूरी कितनी है आर वन आर वन में से एच गया तो क्या बचा आर वन माइनस एच तो आर वन माइनस एच का होल स्क्वायर ऐसे ये एम टू है एम टू की दूरी जो एम टू है उसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक क्या ली जाएगी आर टू प्लस एच तो एम टू इन टू आर टू प्लस एच का होल स्क्वायर तो इसको अगर ठीक तरह करके लिखेंगे आई ऑफ सी डी विल बी to एम वन एम टू एम थ्री की जगह एम आई आर वन आर टू आर थ्री की जगह आर आई माइनस प्लस प्लस की जगह ये लिखेंगे ये लो इसे फिर ओपन करेंगे आई ऑफ सी डी विल बी इक्वल टू एम आई आर आई स्क्वा प्लस एच स्क्वायर प्लस टू आर आई इन टू एच ऐसे आई वेरीज फ्रॉम वन टू वन तो लिखना ही लिखना है इसमें तो आई ऑफ सी डी विल बी इक्वल टू सिगमा एम आई आर आई स्क्वा प्लस एम आई और इन टू एच स्क्वायेर कॉमन आ गया प्लस माइनस सिगमा टू एम आई आर आई इंटू एच तो आई ऑफ सी डी विल बी इक्वल टू ध्यान से देखें ये टर्म ऑलरेडी मैं बता चुका हूं क्या है आई ऑफ ए बी तो आई ऑफ ए बी आ जाएगा और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी एच स्क्वायर इंटू टोटल समेशन ऑफ एम आई क्या होगा एम इंटू एच स्क्वायर इसको तो जीरो लिख दे रहा है एंड में क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से मास इंटू डिस्टेंस का सम इसमें जीरो रहता है समेशन ये आंसर आ गया ये प्रूव करना है आई ऑफ सी डी इज आई ऑफ ए बी प्लस मास इंटू एच थ्योरम तो ऑफ क्या है पैरल एक्सेस लगानी आनी चाहिए लगानी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास सपोज रिंग है एक रिंग का अगर एक्सिस यहां से पास करता है तो फॉर्मूला एम आर है पर अगर एक्सिस इसकी बजाय मैं ये ले लेता हूं सच दैट इनके बीच में डिस्टेंस आर है तो एम आर स्क्वा प्लस एम आर स्क्वा नेक्स्ट है अगर एक रिंग है रिंग का डायमीटर अगर सेंटर के अबाउट फॉर्मूला आई का एम आर स्क्वायर है तो डायमीटर का बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल है कि जो भी फॉर्मूला सेंटर के अबाउट है उसको हाफ कर दो आंसर हाफ एम आर स्क्वायर आ जाएगा तो ये फॉर्मूलाज आपको मार्क करने को आ सकते हैं कि अगर एक्सिस ये होगा तो आई क्या होगा पैरल होगा तो क्या होगा डायमीटर होगा तो क्या होगा और अगर डायमीटर ऐसा है तो डायमीटर ये लिखो हाफ इंटू एम आर स्क्वायर तो है ही है अगर आपका टेंजेंट एस है ताकि इनके बीच में डिस्टेंस आ रहा है तो हाफ एम आर स्क प्लस एम आर थ्री बाई टू एम आर स्क्री बाई स्क्वायर आंसर तो ये इस तरीके से आपको आई की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए डिफरेंट डिफरेंट फिगर्स की जैसे सपोज अगर ये रिंग ना हो मान लो ये डिस्क हो तो अगर एक डिस्क है एक डिस्क के सेंटर के अबाउट फॉर्मूला हाफ एम आर स्कर है इस टेंजेंट के अबाउट फॉर्मूला हाफ एम आर स्क्वायर है जो कि क्या आएगा थ्री बाई टू एम आर स्कर है इसके डायमीटर में वैल्यू क्या हो जाएगी वन बाई फोर एम आर तो इस तरीके से आप अपने आई के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को निकाल सकते हैं जैसे सपोज आपके पास एक थिन रॉड है

ये कंपटीशन की शीट है इसके बाद आएगा मोमेंट रेडियस ऑफ गारेशन उससे पहले ये भी एक और फॉर्मूला टॉर्क टॉर्क का फॉर्मूला एक और है। एक आर एफ साइनफाई तो है ही है एक फॉर्मूला है आई टाइम्स एल्फा इसकी एप्लीकेशन है एप्लीकेशन एस कि सपोज आपके पास एक पुली और दो मास हैं पुली मासलेस नहीं है पुली का मास है तो आप जब पुली का मास है तो यहाँ टेंशन सेम नहीं रहेगी यहाँ टेंशन टी वन टी वन यहाँ पर टेंशन टी टू टी टू हो जाएगी तो अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ मोशन यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगी थ्री जी माइनस टी टू इज थ्री है और दूसरी इक्वेशन टी वन माइनस टू जी इज टू है तीसरी इक्वेशन ये पुली की बनेगी पुली के इधर टी टू इधर टी वन और पुली क्लॉक वाइज घूम रही है तो टी टू का टॉर्क क्योंकि एक्सिस सेंटर से पास कर रहा है तो टॉर्क क्या होगा आर इन टू टी टू क्लॉक वाइज और यहां पर आर इंटू टी वन एंटी क्रॉक्रॉको घूम रही है तो आर इंटू टी टू का टॉर्क आर इंटू टी वन के टॉर्क से बड़ा होगा ए डिस्क के लिए पुलिस फॉर्मूला हाफ एम आर और इक्वेशन आ गई तो दो इक्वेशन लॉज ऑफ मोशन की एक इक्वेशन टॉर्क की सोल्व करके टी वन टी टू एंड ए कैन बी कैलकुलेटेड ये इसका कॉन्सेप्ट है नेक्स्ट है इसमें रोलिंग रोलिंग मोशन की या रोलिंग विद स्लाइडिंग ये एनसीईआरटी में नहीं है प्योर रोलिंग है सिर्फ और प्योर रोलिंग में दो ही फॉर्मूला काम किए हैं इसमें जो आपके एनसीईआरटी कवर करता है पहला अगर मान लो प्योर रोलिंग हो रही है सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी वो किसके इक्वल होगी आर ओमेगा वी सेंटर ऑफ मास इज आर ओमेगा पहला फॉर्मूला है दूसरा नेक्स्ट है अगर प्योर रोलिंग होगी <coughs> और आपकी बॉडी रोल कर रही है बॉडी रोल कर रही है लेकिन एक्सलरेट कर रही है मास कर रहे है, तो सेंट्रो मास की एक्सलेशन का फॉर्मूला आर एल्फा अगर एक्सलेट नहीं कर रही तो वी इज टू आर ओमेगा एक्सेलरेट कर रही है तो एज इक्वल टू आर एल्फा एप्लीकेबल दो फॉर्मुला कुछ नहीं करना गारेशन अब रेडियस ऑफ गारेशन के बारे में भी स्टूडेंट कह रहा था कि इसका प्रूफ हटा दिया गया है सी आर से दो लाइन सुन लो इतना हटा दोगे तो रखूंगा क्या बीच में वो कहता आई भी हट गया डेरिवेशन ऑफ आई बोलने लगा दूसरे बैच में कहता एन सी टी हटा मैं चल ठीक है कोई बात नहीं फिर मैं गारेशन बोलने लगा वो कहता है जिसका प्रूफ भी हट गया मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं फिर उसके बाद ऊपर जो रोलिंग करवाने लगा वो कहता रोलिंग तो हटाई थी तो दो फॉर्मूला याद करने को बोला है तो मैंने कहा घर ही चलते हैं यार <laughs> रोटेशन करना क्या है चार चीज़ें करनी है वो तुम खुद ही कर लेना जाके ठीक है सिलेबस एन ने काफ़ी रिड्यूस किया है तो मैं आप अंदाज़ा लगा सकते हो दस मिनट में ये कोर्स ख़त्म होने वाला है यार इतना की कम है तो ठीक है कॉम्पिटिशन में थोड़ा सा देखो आपको कॉन्सेप्ट वाइज पूछा जाता है ना तो थोड़े डीप कॉन्सेप्ट है कॉम्पटिशन में पर एन में एक बेसिक लेवल है बाकी टीचर भी डिपेंड करता है वो क्या देगा ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आ सकता है मैं आपको बस ये बताना चाहता हूँ रेडियस ऑफ गारेशन की फॉर्म में आएगा फॉर्मूला एम के स्क्वायर है ये इसके बिना गाड़ी चल नहीं सकती ना के स्क्वायर अब वैसे हट गया हट गया पर के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है एनर्जी के अंदर भी यूज़ होना है तो उन्होंने डिफाइन करके छोड़ दिया तो हम भी डिफाइन करके छोड़ देते हैं तो आएगा फॉर्मूला अगर टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर है स्वेयर का और वैसे एम के स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ आरेशन तो इक्वेट करके के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर की रेशियो टू बाई फाइव है शॉर्टकट करवाया था कि अगर किसी बॉडी का आई टू बाई फाइव एम आर स्क्वेयर तो जो एम आर का कोफिशियट है वही के स्क्र बाई आर स्क्वेर है तो अगर फेयर का मोमेंट टू बाई फाइव एम आर स्क्र तो के स्कोर बाय आस्कर की रेशियो क्या है टू बाई फाइव है अगर डिस्क का हाफ एम आर है तो के स्कोर बाय आस्कर हाफ है अगर वन एम आर है तो के स्को बायर इसमें वन है बात खत्म हो गई इसमें याद रखना तो रेडियस ऑफ गारेशन निकालना आ गया आर स्क रेशियो निकालनी आ गई इसके बाद रेडियस ऑफ गारेशन पॉइंट मास का अगर हम लें तो ये फॉर्मूला और गारेशन की फॉर्म में लें तो ये फॉर्मूला दोनों को इक्वेट करें तो के का ये फॉर्मूला टोटल मास एम है मान लो एन नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं तो टोटल मास की जगह एम इन टू एन पुट करेंगे हर पार्टिकल का मास अगर बराबर लिया जाए तो एम और एम कैंसिल हो गया ये आंसर आएगा प्रूफ तो कहता है जी हट गया अच्छा कोई बात नहीं हट गया डेफिनेशन आएगी डिफाइन रेडियस ऑफ गारेशन तो डेफिनेशन में इट इज डिफाइंड एज रूट अंडर रूट को क्या बोलते हैं रूट

बॉडी है जो रोल कर रही है और नीचे आ रही है आपको सेंटर ऑफ मास की एक्सलेशन निकालनी है तो फोर्सेस ड्रॉ करेंगे एम जी साइन थीटा और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये तो ड्रॉ हो ही जाएगा तो एक क्योंकि रोलिंग है रोलिंग बनी हुई है ट्रांसलेशन से और रोटेशन से ट्रांसलेशन की इक्वेशन सेंटर ऑफ मास से सेंटर ऑफ मास ट्रांसलेशन मोशन में है इक्वेशन लॉज ऑफ मोशन की क्या बनेगी नीचे की फोर्स एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज एम ए तो ये पहली इक्वेशन है एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज एम इंटू ए सेंटर ऑफ मास नेक्स्ट है टॉर्क की क्वेश्चन क्या बनेगी ये बॉडी रोल करती हुई नीचे आ रही है ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है एम जी साइन थीटा एक्सिस पे काम करता है तो ये इसके ऊपर टॉर्क नहीं लगाएगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और आर में टॉर्क क्या होगा आर इंटू एफ तो आर इंटू एफ इज इक्वल टू आई अल्फा एफ की वैल्यू निकाल लें और यहाँ पुट कर दें तो ये क्वेश्चन आ गई रोलिंग में क्या समझाया था एक्सलेशन सेंटर एल्फा की जगह पुट करो ए बाईआर यहां से ए सेंट्रामास की टर्म कॉमन निकाल के ए सेंट्रामास की वैल्यू आ गई किसी भी बॉडी के लिए जो आई होता है वो क्या होता है एम के स्क्वायर तो इसकी जगह एम के स्क्वायर तो ये एक्सलेशन की वैल्यू आ गई वो हो सकता है अपने क्वेश्चन में बोले कि स्फेयर का निकालो रिंग का डिस्क की एक्सलेशन निकालो रोल करते हुए इंक्लाइन प्लेन पे यहां तक सेम करना स्पेशल केस बना देना अगर पेपर में रिंग आया तो बोल देना के स्क्वायर वाई आर स्क्योर रिंग के लिए वन होता है तो यहाँ पर वन पुट करके आंसर डिस्क के लिए हाफ होता है तो हाफ फुट करके आंसर सॉलिड फेयर का टू बाई फाइव होता है टू बाई फाइव फुट करके आंसर यहां तक छोड़ देना ठीक जैसे वो कहेगा डिस्क फेयर रिंग रोल करते हुए नीचे आ रहे हैं इंक्लाइन प्लेन से कौन सबसे पहले नीचे पहुंचेगा रोलिंग की जो एक्सलेशन है वो क्या होती है जी साइन थ्री प्लस के स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर जिसकी एक्सलेशन ज्यादा होगी वो कम टाइम में नीचे पहुंचेगा जल्दी पहुंचेगा किसकी एक्सलेशन ज्यादा होगी जिसका के स्कोर बाय आर स्क्वेयर कम होगा अब तुम तीन फिगर लिख लेना जिसका के स्क्वयर बाय आर स्क्वेयर सबसे कम है फेयर उसकी एक्सलेशन ज़्यादा होगी तो वो सबसे पहले नीचे पहुंचेगा आंसर तो ऐसे आंसर देना है रोटेशनल कानेटिक एनर्जी में कोई बॉडी अगर ट्रांसलेट करती है तो ये एनर्जी खड़ी खड़ी रोटेट करती है खड़ी खड़ी रोटेट कर रही है तो ये एनर्जी और अगर रोल कर रही है मतलब ट्रांसलेट भी कर रही है और आगे भी बढ़ रही है तो प्योर रोलिंग है तो इन दोनों की टोटल सम ऑफ एनर्जी टोटल एनर्जी इसे सिंप्लीफाई करके आपके पास ये आंसर आएगा मैंने करवाया था हाफ एम वी स्क्वायर इंटू वन प्लस तो यह आपके पास टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है, है, तो जैसे क्वेश्चन आता है कि आपने एच हाइट का इंक्लाइन प्लेन है आपने रिंग डिस्क फेयर को वहां से छोड़ दिया रोल करती हुई बॉडीज नीचे आ रही हैं आपको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बतानी है तो रूल वही है जब ये बॉडी यहाँ से चली थी तो सम ओ पोटेंशियल एन कॉनेटिक और नीचे सम ओ पोटेंशियल एन कॉनेटिक सेम है तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या है एम जी एच कॉनेटिक तो होगी नहीं नीचे आते हुए पोटेंशियल क्या है जीरो कॉनेटिक क्या होगी रोल करते हुए हाफ एम वी स्क्वायर वन प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके वी निकाल लें अब अगर ये बॉडी डिस्क है तो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हाफ पुट कर दें अगर ये बॉडी रिंग है तो वन पुट कर दें स्वेयर है तो टू बाई फाइव पुट कर दें आंसर आ जाएगा ठीक ये आंसर है नेक्स्ट है इसमें कारपेट वाली प्रॉब्लम नहीं करनी रोटेशनल कॉनेटिक एनर्जी के एग्जाम्पल्स हैं उल्टा एग्जाम्पल है अगर एच हाइट से बॉडी को घेर दें तो उसके नीचे आने की वेलोसिटी क्या होगी सेम क्वेश्चन है राधर कोई फ़र्क नहीं है इसमें नेक्स्ट uh, है जैसे ये रहा कि आपने आपको ये बताना है कि अगर कोई बॉडी रोल करती हुई ऊपर चढ़ गई और हाइट इतनी हाइट अटेन कर गई तो आपको बताना ये बॉडी की शेप क्या होगी रोल वही है जब ये बॉडी रोल करती हुई नीचे आ रही है तो इसके पास टोटल रोलिंग एनर्जी है रोल करने की एनर्जी है टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके रोल करना बंद कर देगी और सारी की सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एम जी एच और एच की वैल्यू आपको गिवन है यहां से इक्वेट करके के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आएगा हाफ के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हाफ का मतलब हाफ एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ एनर्जी है डिस्क या सिलेंडर में से कुछ भी एक चीज हो सकती है ये याद रखना है इसमें ये नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये केस कर लेते हैं अगर एक रॉड है और ये इसका एक्सेस है यहाँ पे हिंज्ड है इसको नीचे गिर दिया नीचे गिरते कितना ओमेगा जनरेट होगा ये बताओ तो जब ये रॉड खड़ी हुई है इसके पास सिर्फ पोटेंशियल है एम जी इन एल बाई टू क्योंकि रॉड की पोटेंशियल एम जी इंटू सेंटर ऑफ मास से ली जाती है हाइट एम जी इंटू एल बाई टू जब ये नीचे गिर गई तो सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई रोटेशनल में हाफ आई ओमेगा स्क्वायर और आई की वैल्यू इस एक्सिस के अबाउट क्या होती है एम एल स्क् कोने का टेंजेंट एक्सिस है एम एल आंसर आएगा ये क्वेश्चन में ये मीटर स्टिक दी जाती है तो एंड में एल की वैल्यू को क्या पुट कर सकते हैं वन आंसर तो ऐसे हम ओमेगा को निकाल सकते हैं इसमें नेक्स्ट है रोलिंग विद फ्रिक्शन नहीं आएगा ये तो कोर्स से हट ही गया नेक्स्ट है एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे एक क्वेश्चन आएगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन का फॉर्मूला एल वेक्टर एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आर क्रॉस पी याद रखना पी साइन phi याद रखना तरीका वही है लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज एंगुलर मोमेंटम जैसे अगर मैं बोलूं कि इसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा तो लीनियर मोमेंटम mv इनटू डिस्टेंस कितना h mv h इसका एंगुलर मोमेंटम है याद रखना नेक्स्ट है अगर एक प्रोजेक्टाइल की तरह बॉडी को प्रोजेक्ट किया टॉप मोस्ट पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम क्या होगा ये बताएं अबाउट पॉइंट o टॉप मोस्ट पॉइंट पर लीनियर मोमेंटम क्या होगा टॉप मोस्ट पॉइंट पर विलोसिटी जो होती है वो सिर्फ वी कॉस् थीटा होती है तो लीनियर मोमेंटम एम वी कॉस्टा इंटू परुलर डिस्टेंस इसका कितना है मैक्सिमम हाइट यानी कि एच एम तो एम वी थीटा इंटू एच एम इसका आंसर है नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन टॉर्क वेक्टर एंड एंगुलर मोमेंटम ये पक्का आएगा दो डेरिवेशन करवा रहा हूँ इनमें से एक तो आनी चाहिए टॉर्क इज डीएल बाई डी टी आएगा इसमें

P क्या होता है M into v है V क्रॉस v zero होता है R क्रॉस F टॉर्क होता है आंसर आ गया टॉर्क इज dt इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है ये मैं तो दूंगा कम से कम ठीक कैप्लर फर्स्ट लॉ सन जो है वो सेंटर पे नहीं है planet के वो फोकस पे है ये फर्स्ट लॉ कैपलर सेकेंड लॉ एरियलोसिटी ऑफ अ प्लान इज ऑलवेज अंस्टेंट इसका प्रूफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर में स्ट्रेट फॉरवर्ड देगा प्रूफ कैप्लर सेकंड लॉ ऑफ प्लानिटरी मोशन या प्रूव एरियल वेलोसिटी ऑफ़ प्लैनेट इज दो या फिर लिखा था अपने बुकलेट में क्या लिखा है ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम गिव ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ एंगुलर मोमेंटम दो नंबर में देगा वो देखने में शुरू हो जाना थ्योरिया कहानियां मत लिखना कि मोमेंटम का सिग्निफिकेंस ये है इट इज़ यूज्ड इन रोटेटिंग इट इज यूज्ड इन व्हेन रोटेटिंग अ प्लानट अराउंड अ सन कहानी अमत लेना एक नंबर भी नहीं मिलेगा आपको ज्योमेट्रिकल का मतलब है कि आप ज्योमेट्री हेल्प करके मैथमेटिकली प्रूव करेंगे के एल वेक्टर किसी भी प्लानेट का कांस्टेंट है और एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट प्रूव करेंगे तो तीन तरीके से पूछा जाता क्वेश्चन है तो इसमें आप ये फिगर ड्रॉ करें प्लानट को घुमाएं सन के आसपास शेड करें एरिया और बोलें एरिया वेक्टर एरिया एक वेक्टर होता है डेल्टा ए वेक्टर इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट आर वेक्टर क्रॉस डेल्टा आर वेक्टर ये रहा इसके बाद आप क्या करें आपको एरियल वेलोसिटी निकालनी है जो कि क्या होती है डेल्टा ए बाई डेल्टा टी तो दोनों तरफ से डेल्टा टी डेल्टा टी से डिवाइड करें डेल्टा आर बाय डेल्टा टी क्या होती है वी वेक्टर मास से मल्टीप्लाई मास से डिवाइड करते हैं इक्वेशन को एम इंटू वी कै पी वैक्टर आर क्रॉस पी कै एल वेक्टर किसी भी घूमते हुए प्लानट का एल कॉन्स्टेंट है ये तो होता ही है टू एम भी कॉन्स्टेंट होता है तो राइट हैंड साइड कॉन्स्टेंट है तो एरियल वेलोसिटी है प्रूव करना है ये भी दूंगा आपको पेपर में पढ़ के आना तीन क्वेश्चन बता दी और क्या चाहिए कम से कम ठीक नेक्स्ट है थर्ड लॉ टी टू आर क्यूब हो गया था ग्रेविटेशन के अंदर एंगुलर मोमेंटम का दूसरा फॉर्मूला पहला फॉर्मूला आर क्रॉस दूसरा फॉर्मूला आई इन ओमेगा ये भी फॉर्मूला है तो इसके अंदर मोमेंटम कंजर्वेशन में अगर एक पॉइंट मास है पॉइंट मास का आई क्या होता है एम आर स्क्र तो एंगोरमेंटम पॉइंट मास का क्या होता है आई की जगह एम आर स्क्र उमेगा की जगह वी बाई आर एम वी आर केमिस्ट्री में किया हुआ एम वी आर इज एन एच बाई पॉइंट मास है और पॉइंट मास का एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला एम वी आर तो क्वेश्चन आएगा जैसे ये अर्थ अगर सन के आसपास घूम रही है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट होता है तो जैसे यहाँ पर एम इंटू वी वन इंटू आर वन इज एम इंटू वी टू इंटू आर टू

और टाइम पीरियड क्या होगा टू पाई, पाई, पाई टी टू के से टी टू कैन बी कैलकुलेटेड ठीक है आई वन, ओमेगा, वन टू ओमेगा टू से आंसर आएगा नेक्स्ट है एक डिस्क अगर घूम रही है जेंटली एक और डिस्क उसके ऊपर रख दी तो अगेन पहले डिस्क घूम रही है तो एंग्लोमेंटम आई वन ओमेगा वन डिस्क के ऊपर डिस्क रख दी तो टोटल तो एंग्लोमेंटम आई वन प्लस आई टू इंटू ओमेगा टू तो आई वन ओमेगा वन आई वन प्लस आई टू इंटू ओमेगा टू ये एप्लीकेबल है